क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़, सच को रखे आपके आगे। नाज़रीन, फलस्तीन में इज़राइल की तरफ से कत्ल गारत गिरी और मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है, इस पर इमोशनल वीडियो बनाकर शहर के दो मशहूर चंदा चोरों ने करोड़ों रुपया कमाया है। अब इनके अकाउंट में 5.5 करोड़ इस वक्त मौजूद है। हालांकि ये करोड़ों रुपया निकालने के बाद ये पैसे अकाउंट में बचे हैं। ये वही मशहूर चंदा चोर हैं सलमान और अय्यूब, जो आप लोगों को जज्बाती वीडियो इमोशनल म्यूजिक डालकर आप लोगों को लूटा है और फिर ये ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां तक के आपने ये भी देखा, मुकामी पार्टी को इन लोगों ने ये कहा था कि बैतुल खला की चप्पल के नीचे ये रखते हैं। अब इतने बेगरते लोग हैं कि ऐसे ही लोगों को पनाह दे रहे हैं और फिर ये बेगरते भी वहीं जाकर पनाह ले रहे हैं। अब आप बताइए, चोरों का साथ कौन दे रहा है और कौन आपको लूट रहा है? हमें आपको सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। आज नामपल्ली कोर्ट में भी इन्हें जोर का झटका धीरे से लगा है। सीनियर एडवोकेट आशिर खान और इनके साथी एडवोकेट, जिनके नाम मोहम्मद अब्दुल अजीम, अब्दुल्ला याफई और सैयद निजामुद्दीन, ने इन चोरों का मुसलसिल पीछा करते हुए इनका पर्दाफाश कर रहे हैं और इनका अकाउंट फ्रीज कराए हैं। अब देखना यह है, अब ये हाईकोर्ट जाते हैं फिर क्या करते हैं। आइए सुनते हैं तफसीलात, आशिर खान सीनियर एडवोकेट की जुबानी। आज जो केस था एचवाईजी सलमान के नाम पर, वो केस के आज के डिटेल्स क्या है, क्या हुआ उसके अंदर, जरा आप डिटेल बोलिए उसके बारे में। ये हैदराबाद यूथ करेज HYC जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके खिलाफ हम साबिका दिनों में FIR कराए थे। FIR होने के बाद में इनके और इनके पार्टनर के बैंक अकाउंट्स में अबाउट 5 करोड़ 19 लाख चेंज कुछ अमाउंट इन क्वेश्चन जो है वो फ्रीज हुआ था, पुलिस के ने फ्रीज किया था। इसके बाद ये लोग हाईकोर्ट रिलीफ मांगने के लिए गए थे कि अमाउंट डीफ्रीज करना, ये अकाउंट जो पैसे हैं इनके हैं और इसको डिफ्रीज किया जाता है, ये लोग रिलीफ मांगने गए थे। हाई कोर्ट इनको रिलीफ नहीं देके डायरेक्शन दिए कि लोअर कोर्ट आप जाइए, ट्रायल कोर्ट में जहाँ पे केस चल रहा वहाँ पे आप अप्रोच करिए, और 1 वीक में ऑर्डर देने के लिए उनको बोले। ये लोग ट्रायल कोर्ट अप्रोच में थे, इसमें हम फॉर डिफैक्टो कंप्लेनेंट पटिशन डाले और असिस्ट टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको आप बोलेंगे एज अ प्राइवेट लॉयर हम इसमें कंटेस्ट करें। पहले इनके काउंसिल इसको अपोज कर रहे थे कि हमारे को क्यों ये केस में एंटरटेन किया जा रहा, हमारे को क्यों ये केस में रख रहे हैं, ज़रूरत नहीं है अभी केस में बोलते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारा जो पटिशन है वो अलाउ हुआ था, उसके बाद हियरिंग हुई और इसका ऑर्डर आ जाया अल्हम्दुलिल्लाह लोअर कोर्ट में, यानी ट्रायल कोर्ट में। एक्चुअली इनकी जो पटिशन है डिफ्रीज करने के लिए अमाउंट इन क्वेश्चन 3 करोड़ 19 लाख जो है वो आज डिसमिस कर दी गई। तो एज ऑफ नाउ जो अमाउंट है जो फ्रीज हुआ हुआ है वो फ्रीज होकर ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। हालांकि हाईकोर्ट में रिट पटिशन अभी ओपन है, अब हाईकोर्ट में क्या होगा आगे हम देखेंगे। और मीडिया में लोगों में एक बेचैनी है, हमेशा मेरे से पूछते रहते, फ़ोन आते रहते, जहाँ गया मैं पूछते रहते, मैं मीडिया के जरिए इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। ये आप जानते फलस्तीन के नाम पे फ्रॉड हो रहा था, पैसे जो है ना लेके कुछ सही तरह से उनको हेल्प या इमदाद नहीं की गई थी और करोड़ों रुपये जो है फलस्तीन के नाम पर अक्यूमुलेट करे ये लोग। तो अलहमदिल्ला आज हम लोअर कोर्ट में भी जीते हैं और हाई कोर्ट में भी पहले जीते हैं और अभी कंटिन्यू है, आगे भी इंशाल्लाह केस में हम देखेंगे और इंशाल्लाह क्या होता है आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग and admissions and accommodation assistance. हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो बशीरबाग रोड हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है
है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।